गोवा में सीएम मनोहर पर्रिकर की तबीयत बिगड़ने के बाद से ही बीजेपी सरकार पर संकट आ गया है। कांग्रेस इस मौके को छोड़ना नहीं चाहती, इसलिए उसने बिना देरी किए राज्यपाल के सामने सरकार बनाने का दावा भी पेश कर दिया। इसलिए बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह साम दाम दंड भेद की नीति अपना रहे हैं। उन्होंने कई वरिष्ठ नेताओं से गोवा के राजनीतिक संकट पर चर्चा की है। राजनीति में सरकार बनाने के मौके बेहद कम मिलते हैं, इसीलिए कोई भी इसे नहीं छोड़ना चाहता। अब कांग्रेस भी सीएम मनोहर पर्रिकर की गैर मौजूदगी के मौके का फायदा उठाकर बीजेपी के गढ़ गोवा में सरकार बनाने की जद्दोजहद कर रही है। सत्ता पर काबिज होने के लिए कांग्रेस ने राज्यपाल से मिलकर सरकार बनाने का दावा पेश कर दिया है, लेकिन वहीं दूसरी ओर कांग्रेस के इस कदम ने बीजेपी को और बेचैन कर दिया। इसीलिए तो अब बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह खुद संकटमोचक बनकर सरकार पर आए संकट को दूर करने की कोशिश कर रहे हैं। गोवा की राजनीतिक स्थिति पर चर्चा के लिए उन्होंने पार्टी संगठन महासचिव रामलाल, पार्टी सह संगठन महामंत्री बीएल संतोष, श्रीपद नायक, पार्टी प्रदेश अध्यक्ष विजय तेंदुलकर और वरिष्ठ मंत्रियों के साथ बैठक की। सूत्रों की माने तो राजनीतिक हालात को देखते हुए एक उप मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है। मुख्यमंत्री मनोहर पर्रिकर की अनुपस्थिति में उप मुख्यमंत्री केंद्रीय नेतृत्व और प्रदेश बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं से सलाह मशविरा करके फैसले लेगा। बीजेपी सूत्रों का मानना है कि जिस तरह से कांग्रेस ने राज्यपाल से मुलाकात कर पर्रिकर सरकार के पास बहुमत नहीं होने का दावा करते हुए सदन में दोबारा विश्वास मत साबित करने की मांग की है, उसके बाद सहयोगी दलों और निर्दलीय विधायकों को एकजुट करना मुश्किल होगा। दूसरे दलों के साथ तालमेल को लेकर बीजेपी नेतृत्व अगले 2-3 दिन में गोवा पर फैसला लेगा। अब गोवा से विपक्ष का संकट मिटाने के लिए शाह क्या फैसला लेंगे, ये कुछ दिन में साफ हो जाएगा। लेकिन ये तो तय है कि अगर फैसला मजबूत नहीं हुआ तो कांग्रेस को पंजा मारने से कोई नहीं रोक सकता। डीबी लाइव की रिपोर्ट। हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए यूट्यूब पर टाइप करें डीबी लाइव, सब्सक्राइब बटन को क्लिक करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें, ताकि खबरें आप तक पहुंचती रहें। देखते रहिए डीबी लाइव, क्योंकि यहां है खबरें लगातार।